अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मेरी ओपीडी में जब पेशेंट विजिट करते हैं, उनसे कॉमन सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि हमें जो आर्थराइटिस है उसकी कौन सी स्टेज है, और हमें जो एक्सरे के मुताबिक हम खुद से देख सकें कि वो कौन सी स्टेज का आर्थराइटिस है जो हम जिसमें हम मुब्तला हैं। तो देखें, मैं बताता चलूँ, जो स्टेजेस होती हैं आर्थराइटिस की, वो चार स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 1 और 2 ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसके अंदर एक्सरे यूजली नॉर्मल आता है और पेशेंट को माइल्ड पेन होता है जो सिंपल 2 गोली पैनाडोल खाने से भी ठीक हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है क्या कहते हैं हफ्ते में 1-2 बार खाने से भी ठीक हो जाता है। लेकिन स्टेज 2 के बाद जब स्टेज 3 आती है उसके अंदर पेशेंट को रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसी तरह फिर स्टेज 4 आती है। देखिए, अगर आप ये एक्सरे पे फोकस करें, देखें ये साइड अंदर की साइड है हमारी और ये साइड बाहर की है। ये जो जगह ब्लैक नजर आ रही है इसका मतलब ये क्या है, हमारी चिकनी हड्डी है। जैसे जैसे पेशेंट की चिकनी हड्डी खराब होना शुरू होती है तो ये स्पेस कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि इस एक्सरे में वाजह तौर पे नजर आ रहा है कि इस तरफ ये जो स्पेस है ये काफी हद तक कम हो गई है, तो ऐसा, लेकिन अभी इतनी कम नहीं हुई कि यहां से यहां पर आपस में ये चिपक जाए। तो ऐसा जो आर्थराइटिस, अगर आपके एक्सरे में ये स्पेस कम दिख रही है आपको, तो ऐसे आर्थराइटिस में का मतलब है आपको स्टेज 2 है या 3 स्टेज की बिगनिंग हुई है जी। अब नेक्स्ट एक्सरे आपके सामने जो मैंने लगाया है, इसमें आप इजीली देख सकते हैं, अगर इस जगह पे फोकस किया जाए तो यहां देखें काफी हद तक ये जगह जो है रिड्यूस हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, मोर देन 70% जो चिकनी हड्डी है वो यहां पे खराब हो चुकी है। ये स्टेज 3 या 4 की बिगनिंग है, 3 की एंड या 4 की बिगनिंग है। इसको हम क्या कहेंगे, अगर आपके एक्सरे में ऐसी फाइंडिंग्स है तो ये कौन सा है, स्टेज 3 या स्टेज 4 की बिगनिंग। ये इस तरह का आपका आर्थराइटिस है।